काहेकि ओहरिले बाइडेन 81 वर्ष वयस्क बाइडेन को नहीं डेमोक्राटिक दल रे थिला खूब असंतोष। देश रे अत्यधिक मुद्रास्फीति कारणरु बाइडेन लोकप्रियता को हराई बसिथिले। वयस और मानसिक सुस्थता प्रसंगे विभिन्न महलरु से टार्गेट रे मध्य रही आसिथिले। तबे इज्राएल हमास युद्ध रे इज्राएल को समर्थन करी रोशर मध्य शिकार होइथिले। एतिछड़ा अफगानिस्तान रु अमेरिकीय सैन्य प्रत्याहार घटना ने मध्य निंदित होइथिले। तबे जून रे होइथिबा वितर्क रे दलीय शिविर रे होइथिले वर्चित होइथिले बाइडेन एवं पब्लिक पॉलिसी पोलिंग पक्ष बाइडेन को विपक्ष रे रहिथिला रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक दलर सांसद माने तांको सपक्ष रे नथिले। सेपरी कोविड रे पीड़ित होबा परे बाइडेन को स्वास्थ्य को सस्पेंस घनीभूत होइथिला। अधिक आलोचना करिबा राजनीतिक समीक्षक प्रोफेसर जयंत महापात्र आम सहित जोड़ी। प्रोफेसर महापात्र आपन को स्वागत करुछे आलोचना को। सर राष्ट्रपति निर्वाचन रु जो बाइडेन ओहरी जीवा कमला हैरिस नाकुने मध्य खूब चर्चा केमती याकु सर देखुछंती वर्तमान क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप एवं कमला हैरिस भितरे ये लड़े केमती हेबो। देखते जो बाइडेन जो निष्पत्ति नहीं निष्पत्ति नवा दिने दु दिन आगुरी जना जाऊला जे जो बाइडेन बोधे ओहरी जाऊंट कारण प्राय शुक्रवार दिन गोटे न्यूज अमेरिकन चैनल रु देखी जे जो फैमिली मेम्बर्स अच्छा से मितर ये आलोचना आरंभ हो जाता जे जो बाइडेन आउ कंटेस्ट करवा उचित हम ना किंतु से माने गोटे कंडीशन जो बाइडेन कहते ओहरी जी किंतु मो कंडीशन रे ओहरी जार अर्थ आमको बुझा पड़ो जो बाइडेन चाहूंगे सी जहाँ नोमिनेट करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी एश्योरेंस दबा को पड़ो जे डेमोक्रेटिक पार्टी सी कैंडिडेट हम वर्तमान जो बाइडेन जो ओहरी जाइंट बदल में कैंडिडेट किए हम यही अटकी बोध जहाँ जना जाऊँगी डेमोक्रेटिक पार्टी जो फोकस था दल रो अर्गानाइजेसन भितर जो फोकस था तार कन्वेनसन जो हम जो नेता निर्वाचन हे मान प्रेसिडेंशियल नोमिनी किए हम से निर्वाचन हम से प्राय 3900 डेलीगेट आसवे 3900 डेलीगेट भोट देवे जदि कंटेस्ट हुए कंटेस्ट हेले भोट हेले से कमला हैरिस जदि अधिक भोट पाइबे तेज सी कैंडिडेट हे जदि कंटेस्ट न हुए अनकंटेस्टेड भाव से डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट हे किंतु वर्तमान पर्यंत गत काली रात्रि आज सकाल भितर जहाँ जना जा कमला हैरिस सपोर्ट अधिकांश सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी आसुची प्राय 50 टी जाक राज्य जो 50 टी जाक राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ मान अच्छा से मैंने कमला हैरिस कैंडिडेट को एंडोर्समेंट कर सारे। द्वितीय कथा हूँ गोटे 24 घंटा होना 24 घंटा होना सी मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर डोनेशन पाई सारे माने कमिटमेंट पाई सारे माने जोटा कि बहुत माने आश्चर्य कथा जी एत अल्प समय भितर एत अमेरिका बहुत डोनेशन दिये पॉलिटिकल डोनेशन जो माने डेमोक्रेट को दवा दिखते जो माने रिपब्लिकन को दवा को दिखते किंतु मुझे ऑब्जर्व कर माने एत कम समय एत डोनेशन पाइबा गोटे मत आश्चर्य टे लगुच मतलब जमी लोक अपेक्षा करके बसी डोनर मैंने केतले बाइडेन ओहरी जी और जी कैंडिडेट अल्टरनेटिव कैंडिडेट आसो किंतु प्रोफेसर महापात्र अन्य पटे डोनाल्ड ट्रंप कर दाबी कि तांको प्रति समर्थन अधिकार होची एवं से निश्चित रूपे एथरे बाजी मारि नेबे याकु बा एभली दृढ़ोक्ति डोनाल्ड ट्रंप कर ताकु आपण केमते देखंती। देखो डोनाल्ड ट्रंप सब बेले सीए गोटे माने मु कहबी इज ए पॉलिटिकल गैम्बलर इज ए बिग बिजनेसमैन राजनीति गोटे बिजनेस सी गोटे अन्य स्पिरिट रे इलेक्शन लड़ती वर्तमान पर्यंत जो ओपिनियन पोल जाक होता प्राय 7 दिन को थे ओपिनियन पोल हो जाए से जो ओपिनियन पोल होता सब से सी बहुत आगे रोते डोनाल्ड ट्रंप 37 40% भितर रहा सी 60 पाखापाखि जाऊ
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ଅଛି, ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଡିବେଟ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସରିଛି, ଆହୁରି 2ଟା ଡିବେଟ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ 4 ମାସ ଭିତରେ କମଲା ହାରିସ୍ ଯଦି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସିଏ ହିଁ ହେବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବି ନ ହେଇପାରେ। ଏବଂ କମଲା ହାରିସ୍ ଯଦି ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୌଡ଼କ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କମଲା ହାରିସ୍ ଯଦି ନୋମିନେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ବି ରହିଛି, ତା କାରଣ ବି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ବ୍ଲାକ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ବ୍ଲାକ୍ ଓମେନ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆସିଗଲାଣି। ବହୁତ ଆଣ୍ଟି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋ ଏବର୍ସନିଷ୍ଟ, ଏବର୍ସନ ରାଇଟ ଟା ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର କାଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେରିକା କନଜରଭେଟିଭ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରିପବ୍ଲିକାନ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଆଣ୍ଟି ଏବର୍ସନିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ଏବର୍ସନିଷ୍ଟ ଏବଂ କମଲା ହାରିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ଏବର୍ସନିଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ଓମେନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସୋ ଦିସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ରହିଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋ ଏବର୍ସନିଷ୍ଟ, ସୋ ଓମେନ୍ ଭୋଟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଏ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତା ସହିତ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ଯଦି ନିଜର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ସୁଦୃଢ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ମିଲିୟନ ଡଲାର ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଡୋନେସନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ୱାକ୍ ଓଭର ପାଇଯିବେ, ବହୁତ ସହଜରେ ଜିତିଯିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର, ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବା କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି କି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଜିମାତ କରିନେବେ, ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରୁ ନିଜେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ।